हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कल मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त एंड स्वस्थ हूँ। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं जो कि मैं मेरी वाइफ जो कि मिलकर पकौड़ी बनाने वाले हैं। तो फाइनली वीडियो का आप लोग कंटिन्यू रखना, सारा कुछ दिखाऊंगा बताऊंगा भी। ओके, जो कि कटिंग करने जा रही है जो कि बंद गोभी, पत्ता गोभी जो होता है, तो जो हाथ में जो कि ले रखी है इसे कटिंग करने जा रही है। सामने जो कि प्याज है, तो हम लोग इसी इसी का जो कि आज लोग पकौड़ा बनाने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कितना ये लोग पकौड़ा बनाते हैं, तो फाइनली यार ठंड को कुछ ज़्यादा है इसलिए बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए कुछ इस प्रकार का है, दिखा दो इधर पत्ता गोभी। ये देखिए दोस्तों, हम लोग जो कि कटिंग कर रहे हैं बंद गोभी को। इधर जो कि प्याज है इसे भी कटिंग करेंगे हम लोग, पहले इसे कटिंग कर लेंगे फिर उसे कटिंग करेंगे। थोड़ा और रह गया एक पीस, अभी फिर हम लोग प्याज को कटिंग करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो कि प्याज के ऊपर जो कि हम लोग छिलका उतार लिए हैं, उसके ऊपर रख दिए हैं जो कि छिलका उतार के। इधर देखिए सारा जो कि प्याज का जो कि छिलका हम लोग उतार लिए हैं। अब इसे हम लोग प्याज को काटेंगे बारीकी से, फिर इसे एक में मिलाएंगे। ओके, और धनिया भी, मिर्च भी, हरी मिर्च और कद्दूकस जो कि आलू हो गया है, इधर जो कि आलू चिप्स है, इधर हमारा हल्दी है जो कि बेसन में डाल के जो कि हम लोग मिलाएंगे, इधर हमारा बंद गोभी पत्ता के जो कि है इसे जो कि थोड़ा उबाल के फिर मिक्स करेंगे बेसन और सारा एक ही में मिक्स करके फिर हम लोग बनाएंगे। फाइनली दोस्तों, हमारा पत्ता गोभी बिल्कुल उबल चुका है। फाइनली दोस्तों, हमारा चिप्स के लिए जो कि बेसन जो कि घोल दिए हैं, इसमें नमक भी पड़ गया है, हल्दी भी पड़ गया है चिप्स निकालने के लिए। इसमें पड़ा है जो कि बेसन, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च और बंद गोभी, सारा कुल सारा चीज़ इसमें पड़ा हुआ है, सारा जो कि आइटम पड़ा हुआ है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो फाइनली हम लोग इसे तेल फ्राई कर। फाइनली दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारा पकौड़ी को इस तरह बना रहे हैं हम लोग। ये देखिए आप लोग, अभी खाएंगे फिर आप। आने जा रहे हैं तो आप लोग वीडियो का आप लोग देखना अभी। ये देखिए कुछ पकौड़ी हमारा इस तरह है, मिल गया था मुझे बन के। ठीक है, इधर आप लोग देखिए मैं। मस्त मस्त लग रहा है एकदम। तो फाइनली दोस्तों, पकौड़ी एकदम बहुत ही मस्त बना था, मजा आ गया खाने में। कहीं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी प्लीज़ आगे लाइक करना, जो भी आप सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।